दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेरिंग्स का यूज़ करके इंटर एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द फॉलोइंग बेरिंग्स वेयर ऑब्जर्व विद अ कंपास कैलकुलेट द इंटर एंगल्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ लाइन्स की बेरिंग्स दी हुई है, फोर बेरिंग्स, जिनका यूज़ करके हमें इंटर एंगल्स फाइंड करने हैं। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट था वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जो हमें फोर बेरिंग्स दी हुई है क्वेश्चन में, उनका यूज़ करके हमने एक रफ डायग्राम निकाल लिया है, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम ए बी लाइन, तो ये हमारा ए स्टेशन बी स्टेशन है। ए बी लाइन की फोर बेरिंग 60 डिग्री 30 मिनट से। तो दोस्तों एक एक करके मैं यहाँ पर वो सब बना लेता हूँ। ये मेरा सी स्टेशन हो गया, ये मेरा डी स्टेशन, ई स्टेशन। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने फोर बेरिंग्स बता दी है। जैसा कि आप देख सकते हो ए बी लाइन की फोर बेरिंग है 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट्स, देन नेक्स्ट 122 डिग्री, नेक्स्ट 46 डिग्री, नेक्स्ट 205 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 205 डिग्री एंड 30 मिनट, एट लास्ट 300 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंटरियर एंगल्स, यानी कि ये जो हमें इंटरियर एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको बेरिंग्स दी हुई है एंड अगर आपको इंक्लूड एंगल्स फाइंड करने हैं, तो उसका एक सिंपल फार्मूला बनता है, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अल्फा यानी कि जो हमें इंटर एंगल फाइंड करना है, वो उसका फार्मूला बनता है बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। बस अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा एंगल बी बन रहा है, यहाँ पर आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, बट मैं एंगल बी फाइंड आउट करूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एंगल बी फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो एंगल बी के लिए देखिए दोस्तों, लाइन ए बी जो होगी हमारी वो प्रीवियस लाइन बन जाएगी, लाइन बी सी हमारी नेक्स्ट लाइन बन जाएगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अगर हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला बनता है हमारा दोस्तों बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन यानी कि जैसा कि मैंने बताया बी सी हमारी नेक्स्ट लाइन है, सो फोर बेरिंग ऑफ बी सी। तो अगर हम, तो यहाँ पर देखिए बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, जैसा कि आप देख सकते हो इसकी बैक बेरिंग होगी 60 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180 डिग्री माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी है, यहाँ पर बी सी की फोर बेरिंग 122 डिग्री। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंगल बी की वैल्यू आती है हमारे पास 118 डिग्री 30 मिनट्स। तो देखा दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला का यूज करके हमने एंगल बी को फाइंड आउट कर लिया। ऐसे करके हम सारे एंगल्स वन बाय वन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा एंगल होगा एंगल सी। तो एंगल सी के लिए मैं देखते हैं, तो एंगल सी के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पर प्रीवियस लाइन बन जाएगी हमारी बी सी एंड नेक्स्ट लाइन बन जाएगी हमारी सी डी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन यानी के बी सी माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी के सी डी लाइन। सो फोर बेरिंग ऑफ सी डी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी बी सी लाइन है उसकी फोर बेरिंग है 122 डिग्री, सो उसका जो बैक बेरिंग होगा वो होगा 180 डिग्री प्लस 122 डिग्री माइनस फोर बेरिंग ऑफ सी डी। सी डी की फोर बेरिंग है जैसा कि आप देख सकते हो 46 डिग्री, तो यहाँ पर होगा 46 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू हम देखते क्या आती है, तो यहाँ पर एंगल सी की वैल्यू आती है 254 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल डी। तो एंगल डी के लिए हम देखते हैं, तो एंगल डी के लिए देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या बनेगा एंगल डी। एंगल डी के लिए सी डी हमारी प्रीवियस लाइन होगी, डी ई हमारी नेक्स्ट लाइन बन जाएगी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैक बेरिंग ऑफ सी डी माइनस
फोर बेरिंग ऑफ डी ई। तो बैक बेरिंग ऑफ सी डी देखते हैं दोस्तों क्या होगी। तो यहाँ पर फोर बेरिंग है 205 डिग्री 30 मिनट्स। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो 205 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। नाउ फोर बेरिंग ऑफ डी ई, फोर बेरिंग ऑफ डी ई है हमारी, आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो फोर बेरिंग है सी डी लाइन की वो 46 डिग्री है। सो यहाँ पर गलती से मैंने बैक बेरिंग ले ली उसकी। सो 46 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है, ये गलत है, माइनस। नाउ फोर बेरिंग ऑफ डी ई, डी ई की फोर बेरिंग है 205 डिग्री 30 मिनट्स। तो 205 डिग्री 30 मिनट्स, तो एंगल डी की वैल्यू आती है दोस्तों 20 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो एंगल डी के बाद दोस्तों अभी हमें फाइंड आउट करना है एंगल ई। तो दोस्तों एंगल ई के लिए फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर देखिए एंगल ई, एंगल ई के लिए प्रीवियस लाइन होगी डी ई, ओके, एंड एंगल ई के लिए नेक्स्ट लाइन होगी ए। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैक बेरिंग ऑफ लाइन डी ई, जो हमारी प्रीवियस लाइन है, माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन है हमारी दोस्तों ई ए। सो बैक बेरिंग ऑफ लाइन देखते हैं अभी ना। अभी देखिए दोस्तों डी ई जो हमारी लाइन ई ए, इसकी फोर बेरिंग है 205 डिग्री 30 मिनट्स। तो दोस्तों ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें इसमें से 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा अगर हमें बैक बेरिंग निकालना है। तो माइनस फोर बेरिंग ऑफ ई ए, तो यहाँ पर फोर बेरिंग ऑफ ई ए है 300, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 274 डिग्री, जो कि ऑफ कोर्स गलत है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्लोज ट्रैवर्स के से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको इंक्लूड एंगल्स फाइंड करना है, तो एक ना एक बार तो आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें आपका जो आंसर है वो निगेटिव आएगा, मतलब जैसा कि हमारे यहाँ पर आया है, ठीक है। तो एक ना एक कंडीशन तो आपको वैसे मिलेगी। तो जब भी आपका आंसर माइनस आता है तो सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में प्लस 360 डिग्री ऐड करने देना है। ये सिंपल रूल है दोस्तों, सिर्फ आपको प्लस 360 डिग्री ऐड कर देना है। तो अगर हम इसमें प्लस 360 डिग्री करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें एंगल ई का वैल्यू 85 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है दोस्तों, 85 डिग्री 30 मिनट्स। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे सारे एंगल्स हैं इनकी ज्योमेट्री अलग है और इस अकेले एंगल की थोड़ी सी ज्योमेट्री अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस 360 डिग्री करना पड़ता है। आप सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ करके भी आप पता कर सकते हैं कि मैंने 360 डिग्री ऐड क्यों किया है, ठीक है। नाउ एंगल ई के लिए हमने देख लिया, अभी लास्ट एंगल बचा है हमारा दोस्तों, वो है एंगल ए। तो एंगल ए के लिए भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एंगल ए के लिए हमारी प्रीवियस लाइन होने वाली है ई ए, ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन होगी हमारी ए बी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ई ए लाइन की फोर बेरिंग है 300 डिग्री, तो ऑफकोर्स हमें 300 में से 180 डिग्री माइनस पर करना पड़ेगा अगर हमें बैक बेरिंग निकालना है। तो माइनस फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी है 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसका आंसर आता है दोस्तों, तो इसका आंसर आता है दोस्तों 59 डिग्री 30 सेकंड 30 मिनट्स। तो देखा दोस्तों, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज़ करके हमने सारे इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर लिया, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, एंगल सी, एंगल सी की जो वैल्यू आती है वो है 256 डिग्री, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी ना। अभी देखिए दोस्तों, जो हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड किए हैं वो हमारे एंगल्स राइट है या रॉन्ग है, उसके लिए एक हमें लास्ट में एक चेक मिलता है, तो जो हम चेक लगा के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे जो हमने एंगल्स फाइंड किए वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो वो चेक है दोस्तों,
तो उस चेक के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू होती है दोस्तों नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे इस केस के लिए नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे यहाँ n की वैल्यू हो गई 5, तो हम यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं 2 इंटू 5-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी, इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 540 डिग्री। नाउ अभी चेक क्या करना है हमें दोस्तों, ये जो हमने सारे एंगल्स फाइंड किए हैं बी सी डी ई एंड ए, इन सारे एंगल्स की एडिशन 540 होनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं हमारी एंगल की एडिशन आती है या नहीं। तो 118 डिग्री 30 मिनट्स प्लस दूसरा एंगल है हमारा 256 प्लस एंगल डी की वैल्यू 20 डिग्री 30 मिनट्स प्लस एंगल ई की वैल्यू है 85 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे एंगल्स की एडिशन है 540 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो एंगल्स फाइंड किए हैं वो हमारे सारे करेक्ट है। तो ये सिंपल चेक का यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।